देखिए, कक्षा 8वीं का गणित है। प्रश्नावली है 5.1 और प्रश्न संख्या आपका 5। 5 में बोल रहा है निम्नलिखित में कौन सम संख्या के वर्ग हैं। ठीक है, तो सम संख्या आप जानती हैं किसे कहते हैं। जो संख्या 2 से विभाजित हो उसे हम सम संख्या कहते हैं, यानी कि जिस संख्या में हम 2 से भाग देते हैं। जैसे कि 4 है, 4 में अगर हम 2 से भाग दें तो 2 × 4 और इसका शेषफल 0 आए, तो इसे हम क्या बोलेंगे, सम संख्या बोलेंगे। 4 क्या हो जाएगा, सम संख्या। तो वही बोल रहा है क्वेश्चन के अंदर कौन सम संख्या के वर्ग हैं। तो हमें बताना है कौन सम संख्या के वर्ग हैं और कौन सम संख्या के वर्ग नहीं है। ठीक है, तो आपको करना क्या है, इन सभी संख्याओं को है ना, इसका जो इकाई अंक है, इन सभी संख्याओं में जो इकाई अंक है उसमें 2 से भाग देना है। जैसे कि ये 169 में इकाई का अंक है कितना, 9। ठीक है, तो 9 में हम भाग देंगे 2 से, 2 से भाग देंगे तो शेषफल इसका कितना आएगा, 1 आएगा। ठीक है, तो ये क्या है, सम संख्या के वर्ग नहीं है। तो जिसका शेषफल 0 आएगा इकाई के अंक में भाग देने पे 2 से, तो वो सम संख्या के वर्ग कहलाएगा, और जिसका शेषफल 0 नहीं आएगा तो वो सम संख्या का वर्ग नहीं कहलाएगा। तो यहाँ पे 169 में 9 में अगर हम भाग देंगे 2 से तो शेषफल 1 आएगा। तो इसे हम क्या लिखेंगे, 169 सम संख्या के वर्ग नहीं है। ठीक है, तो जो सम संख्या का वर्ग है उसी को लिखना है। 196 है तो इसका इकाई के अंक कितना है, 6। तो 2 से 6 में भाग देंगे तो 2 × 6 पूरा पूरी कट जा रहा, शेषफल 0 आ रहा। तो यहाँ पे लिखेंगे अतः 196। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 1296, 1296 में इकाई का अंक कितना है, 6। इसमें भी भाग देंगे 2 से, 2 × 6 कट जा रहा, इसको भी लिख लेंगे 1296। फिर है 6561, यानी 6561। इसका इकाई के अंक कितना है, 1। तो 2 से भाग देंगे तो ये नहीं कटेगा। ठीक है, तो 196 और 1296। यहाँ क्वेश्चन में 256 लिखना भूल गए थे, तो 256 भी लिख लेंगे। ठीक है, उसके बाद 256 में हम देखेंगे इकाई के अंक 6 है, इसमें भी भाग देंगे 2 से, 2 × 6 भाग चला जा रहा, शेषफल 0 आ रहा। तो 256, 196, 1296 और 256, ये क्या है, सम संख्याओं का वर्ग है। ठीक है, अब देखिए प्रश्न संख्या 6 में आपको दिया है निम्नलिखित संख्याओं में से कौन सी पूर्ण वर्ग है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 400, 4000, 3,30,550, उसी तरह ये एक लंबा सा संख्या है, लंबी संख्या है। तो आपको क्या करना है, बताना है कौन सी पूर्ण वर्ग है। ठीक है, तो आपको देखिए यहाँ पे करना क्या है, करना ये है आपको कि इसको अभाज्य गुणनखंड विधि से ज्ञात नहीं करना है। अगर ज्ञात कीजिएगा तो बहुत ज्यादा टाइम लगेगा, परेशान हो जाइएगा। तो आपको यहाँ पे 0 को देखना है। तो देखेंगे हम, अगर 0 जो है, 0 जो है ये अगर सम रहेगा तो पूर्ण वर्ग कहलाएगा, ये संख्या पूर्ण वर्ग कहलाएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे 0 कितना है, 2 है। 4 में 0 कितना है, 2 है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे अतः दी हुई संख्याओं में 400। अब इसमें देख लेंगे, देखिए यहाँ पे 0 कितना है, 1, 2, 3, 3 0 है। तो हम क्या बताए थे, अगर 0 जो है संख्याओं के अंत में जो 0 है वो अगर सम रहेगा
तो पूर्ण वर्ग कहलाएगा, वो संख्या क्या कहलाएगा, पूर्ण वर्ग कहलाएगा। तो यहाँ पे 0 जो है 3 है, सम नहीं है, ठीक है। इसमें हम देख रहे हैं यहाँ पे 0, देखिए अंत में, संख्याओं के अंत में आपको देखना है 0 कितना है, 1 है, तो ये भी सम नहीं है 0, तो इसको भी हम नहीं लिखेंगे, ये पूर्ण वर्ग नहीं है। इसी तरह यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5, कितना 0 है, 5 ही 0 है, तो ये भी क्या है, पूर्ण वर्ग संख्या ये भी नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे केवल 400 दी हुई संख्याओं में 400 पूर्ण वर्ग संख्या है,